जिला पुंछ के जालसा और धरा इलाकों को कोरोना वायरस की वजह से रेड जोन घोषित कर देने के बाद आज डीडीसी राहुल यादव, एसएसपी रमेश अंग्राल, तहसीलदार और सीएमओ पुंछ ने इन इलाकों का दौरा किया और माहौल का जायजा लिया। इस बारे में डीसी पुंछ राहुल यादव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैंने जो हमारा एक रेड जोन एरिया है झुलास में, वहाँ पर विजिट किया। वहाँ से हमारी एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी वो पॉजिटिव आई थी और एहतियात के तौर पर हमारा झुलास अपर और लोअर और सलोत्री और इसी तरीके से धारादुनिया, इन सभी एरिया को रेड जोन में रखा गया है और वहाँ पर पूरे एरिया में जो है सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ वहाँ पर हमारी हेल्थ की टीम जो है वो डोर टू डोर जाकर सर्वे भी करेगी और अगर किसी को भी कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंबल कोई भी होंगे तो उन सब लोगों को भी सैंपल एहतियात के तौर पर कराया जाएगा। सभी रेड जोन में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि वो अपने घरों में ही महदूद रहें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें और अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है उसको वो अपनी परेशानी बताएं। जो हमने ऑलरेडी कल मेरे साथ हमारा जो एडी सीएपीडी थे वो भी थे, तो लोगों को राशन की रिलेटेड या फिर गैस की सप्लाई के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। इसी तरीके से एहतियात के साथ रेड जोन में गैस सिलेंडर की सप्लाई या फिर जो और भी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनकी सप्लाई भी इंश्योर की जा रही है। लेकिन सभी से ये अपील है कि कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने कोऑपरेट करना है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ताकि आपका खुद का परिवार और आपके खुद के बच्चे सुरक्षित रह सके। जितने भी एरिया रेड जोन किए गए हैं तो कब तक मतलब इनको देखिएगा, इसमें गवर्नमेंट की बकायदा एक सेट प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो उसके एक सर्टेन डेज के बाद ही, अगर वहाँ पे इतने दिनों तक कोई केस नहीं आता है तभी उसको जो है रेड जोन से हटाया जाता है। सो वो एज पर प्रोटोकॉल के तहत ही वो डिसीजन लिए जाएंगे।